Obviously, in sari killings, whosoever gets killed, it is lost to humanity. New Delhi has lost the war of areas in Kashmir. मुझे बताइए militant बन क्यों रहे हैं militant? जिन लोगों को आप terrorist कह रहे हैं, they are enjoying the popular support. अगर लोग यहाँ पर militancy के खिलाफ होते, फिर कश्मीर में आज हड़ताल नहीं होनी चाहिए थी. New Delhi is leaving no chance to get Kashmiris killed. We want to give New Delhi the message that we will not succumb. The only way to bring back peace to the valley, bring back peace to the subcontinent, is to resolve the Jammu and Kashmir dispute through right to self-determination. उससे कम हमें कोई चीज मंजूर नहीं. Autonomy, na manzoor, na manzoor, na manzoor. Na manzoor, na manzoor, na manzoor, na manzoor. रशीद साहब ये बताइए प्रोटेस्ट किस बात पर? टुडेज प्रोटेस्ट इज अबाउट द किलिंग्स व्हिच हैज टेकन प्लेस इन श्योपियान. लगता है कि हिंदुस्तान पागल हो गया है. लगता है कि उन्होंने वो मतलब दिल्ली आदमखोर बन चुकी है. आज आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली के प्रोटेस्ट, लेकिन वहाँ पे बैलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहाँ पे गोलियां नहीं चलाई जाती. हम ये उनसे कहना चाहते हैं मिलिटेंटों को मारने से आप मिलिटेंसी को खत्म नहीं कर सकते. कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है. आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान से मिलकर इस मसले का हल निकालें. वी आर नॉट फाइटिंग फॉर पाकिस्तान. चाहे पाकिस्तान वाला कश्मीर हो, ये वाला कश्मीर हो, तब तक किलिंग्स होती रहेंगी जब तक हिंदुस्तान हमें हक की खुद इरादियत नहीं देगा. आज हिंदुस्तान की एक बार फिर इखलाकी हार हुई है कश्मीर में. यू हैव लॉस्ट द मॉरल बैटल. आप कितने भी मिलिटेंट मारो, लेकिन बदकिस्मती ये है हिंदुस्तान के लिए कि पीपल आर गिविंग देयर फुल सपोर्ट टू द मिलिटेंट्स. और उसकी वजह ये है, जब आपने गिलानी साहब को 8 साल तक नजरबंद रखा, जब आपने यासीन मलिक को घर से बाहर नहीं निकले दिया, जब आप मीरवाइज को रिवाज नहीं पढ़ने देते हैं, जब आपने आपने कश्मीरियों की स्पेस खत्म कर दी, हिंदुस्तान के लिए बेहतर ही है कि कश्मीरियों के साथ किए गए वादे जो हैं उनको बैन अवी तवारी की मनाजिर में पूरा किया जाएगा. Rashid.